गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी। ये एक डेजर्ट रेसिपी है, एक बार इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस लगती है। रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। लाइक जरूर करें रेसिपी को और शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रबड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है चीनी 1/2 कप, थोड़े से चॉप किए हुए बादाम और थोड़े से पिस्ता, थोड़ी सी केसर हम लेंगे ताकि दूध में कलर अच्छा आए। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसमें मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ केसर। ये केसर मिलाना इसमें टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बिना केसर के भी इसे बना सकते हैं। और इसे अब मैं एक बॉईल आने तक पका लूंगी। तो बॉईल आ चुका है और अब मैं इसमें मिला दूंगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसे अब मैं इतना पकाऊंगी कि ये 750 से 800 ml तक रह जाए। बहुत ज्यादा मैं गाढ़ी रबड़ी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा पतली ही रखूंगी ताकि फिर उससे ब्रेड में ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अब मैंने इसमें मिला दी है 1/4 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और इसे अब मैं थोड़ी देर और पका लूंगी। तो ये देखिए, दूध एकदम हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम इसके अंदर की स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 टीस्पून घी लिया है, और उसमें मिला दूंगी मैं 1 कप के करीब मिल्क पाउडर और 1 कप के करीब दूध। इन सारी तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और एक बढ़िया सा मिक्सचर बना लेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, और अब मैं इसमें मिला दूंगी 2 टीस्पून चीनी, और अब इसे हमें लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और इसका एक डोसा ना बन जाए। तो ये डोसा हमारा बन चुका है, और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मैं इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लूंगी। तो चलिए अब हम रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रोल्स बनाने की तरह से ब्रेड के मैं साइड्स निकाल दूंगी, और साइड्स को आप फेंके नहीं, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम 8 से 9 ब्रेड को साइड्स काट के तैयार कर लेंगे, और यहाँ एक ब्रेड स्लाइस को हम बेलन से बेल लेंगे और इस तरह से पतला कर लेंगे, ये देखिए। और इसी तरह से आपने जितने ब्रेड के साइड्स काटे थे उनको भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 8 से 9 ब्रेड को तैयार कर लिए हैं। अब आपने स्टफिंग के रोने हैं, तो यहाँ एक हाथ में थोड़ा सा मैंने घी लिया है, और इस तरह से छोटा सा पोर्शन लेके हम उसके ओवल शेप के रोल बना लेंगे। आप अच्छे से देखिए, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने इसी तरह से रोल्स बना के तैयार कर लेने हैं, ये देखिए। तो मैंने रोल्स बना के तैयार कर लिए हैं, और अब आपने फिर से ब्रेड स्लाइस को लेना है, और उसमें अब हम एक रोल को अंदर रख देंगे और इस तरह से इसको रोल्स बना लेंगे, ये देखिए। साइड्स को अच्छी तरह से दबा दे हल्के हाथों से, और ताकि ये सील हो जाए और ये खुले नहीं। इस तरह से आपने सारे रोल्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे हम रोल्स को एक कंटेनर में रख देंगे जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है, और इसमें मैंने यहाँ पे सारे रोल्स रख दिए हैं, और इसमें अब हम डालेंगे मीठा दूध जो हमने तैयार किया था। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे दूध को डाल देना है, उसमें पिस्तेशियों से और बादाम से। तो यहाँ मैंने गार्निश कर दिया है, और ये देखिए ये रेडी है, और इसे मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी। ब्रेड मलाई रोल ठंडी अच्छी लगती है, और फ्रिज से निकालने के बाद ये हमारी ब्रेड मलाई रोल अब खाने के लिए रेडी है। बहुत ही डिलीशियस बनी है, ये देखिए, आप भी इसे जरूर ट्राई, एक अलग सी रेसिपी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।